नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में तीन स्टॉक्स के बारे में। बहुत ही शानदार तेज़ी आज के दिन बनाई है, कई इंपॉर्टेंट लेवल के पास स्टॉक आ चुके हैं और कई इंपॉर्टेंट लेवल निकाल भी चुके हैं। बात करेंगे इस वीडियो में थिरुमलाई केमिकल्स क्लीन साइंस के बारे में और साथ ही एस माई ट्रिप लगातार जो है भयंकर तेज़ी स्टॉक बनाते जा रहा है। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्टली बात करेंगे थिरुमलाई केमिकल स्टॉक के बारे में। केमिकल सेक्टर ऐसा है जो लगातार हमेशा फोकस में बना रहता है और इस पिछले एक से डेढ़ साल में देखेंगे तो केमिकल सेक्टर ने जितना दमदार रिटर्न दिया है शायद ही किसी अदर सेक्टर ने दिया होगा। यहाँ देखेंगे मॉर्निंग में 5% की तेज़ी बनते हुए देखने को मिली और लगातार स्टॉक बाय भी हुआ है और साथ ही साथ जो वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन हुआ, स्टॉक क्लोजिंग के समय करीब करीब 11% तक के गेन दिन में बना चुका था। तो देखिए, बात करें अगर आज के इंट्राडे के चार्ट की, 11% की तेज़ी स्टॉक में बनी हुई है, बल्कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा स्लिप जरूर हुआ। 13-14% के हाइस बनाने के बाद 11% की क्लोजिंग तेज़ी के साथ स्टॉक क्लोजिंग दे पाया है। 24 रुपये आज की डेट में स्टॉक महंगा हो चला है। बात करेंगे 5 दिन की तो देखिए 21% के रिटर्न 5 ही दिन में दे डाले हैं इसने, शानदार रिटर्न है वाकई। और 1 महीने में 26% के, 6 महीने में 148 हैं, ईयर टू डेट पर 139 और 1 साल की अवधि में देखेंगे तो 100 रुपये से नीचे ट्रेड करने वाला रिटेल कैटेगरी का स्टॉक है। लेकिन देखिए पैशन की क्या कीमत इसने अदा की है, 240% तक के रिटर्न अब तक दे चुका है। इससे पहले भी मैंने थिरुमलाई केमिकल में 2 से 3 बार पिछले वीक्स में वीडियो कवर करके आपको बताया था, इस स्टॉक में आप जरूर नजर रखें। इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, किसी का बाय का विचार है तो विचार बना सकते हैं आराम से, कंपनी अच्छी है। डेली चार्ट पे देखेंगे बहुत ही दमदार इसमें आप पैटर्न देख रहे हैं, साथ ही ये एक कमाल की स्ट्रक्चर देखिए, ये मंथली चार्ट पे स्टॉक का करीब करीब ब्रेकआउट आने की पूरी तैयारी है, जो कि जो है 2017 का अंत, दिसंबर 2017, साथ ही साथ जनवरी और फरवरी मार्च 2018 के हाइज़ के बिल्कुल पास स्टॉक पहुँच गया है। हालांकि न्यू हाइज स्टॉक लगा चुका है, आज के दिन स्टॉक ने 250 का हाई मारा था, ऊपरी स्तरों से 10-11% करेक्ट होकर 239 पे क्लोजिंग दी है, यानी लाइफ टाइम हाई का एक नया आंकड़ा स्टॉक छू चुका है। देखिए 250 के लेवल ये जल्दी तोड़ के और ऊपर निकलेगा, क्योंकि जिस तरह का ये मंथली स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्टॉक काफ़ी बड़ी कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है और पूरे महीने को आप देखेंगे तो 60 से लेकर 70 रुपये के मूव, एक एक कैंडल आप ये जो देख रहे हैं 60 से 70 रुपये के मूव पर मंथ की स्पीड से देते जा रहा है। किसी ने होल्ड कर रखा है, बाय कर रखा है तो आराम से होल्ड करना, अभी बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी Q2 के नंबर्स आने स्टार्ट होने दीजिए, ये इन कंपनियों के इतने तगड़े नंबर आएंगे ना, ये स्टॉक सारे आपको इस जो भाव पे चल रहे हैं यहाँ से करीब करीब 15-20% और ऊपर दिख सकते हैं। Q2 के नंबर का कम से कम वेट कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, बहुत ही कमाल की ये कंपनी है। मैं पहले से कहते जा रहा हूँ IPO के बाद से, अब तक मैंने 2 से 3 बार इस पर वीडियो बना के आपको इंटीमेट किया कि नीचे के भाव है 1200-1300-1400 तक के भाव में, वहाँ पे बाय बनाने के लिए बहुत ही शानदार मौका है। स्टॉक लगातार तेज़ी दिखा रहा है, 1 दिन में आज 7.5% गेन दिए हैं, 5 दिन में देखिए 22%, 21-21.5% भाग चुका है, 1 महीने में 30% के रिटर्न है, 6 महीने में 23 के और इतना ही समय स्टॉक को लिस्ट हुआ है, जो कि देख रहे हैं आप 1585 पे डेब्यूट किया था IPO ने, यानी पहले दिन की क्लोजिंग थी 19 जुलाई 2021 की। स्टॉक ने लो लगाया था करीब करीब 1430 या 1425 रुपये के आसपास का और वहाँ से अब तक देखेंगे आप काफ़ी अच्छे रिटर्न स्टॉक दे चुका है। 2000 और 2500 तक के, 2000 के लेवल जल्दी और 2500 तक के जो टारगेट हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड किए गए हैं, डिपेंड करता है आगे आने वाले समय कैसे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 वीक पहले मैंने इसको कवर किया था, करीब 1400-1450 रुपये के आसपास का प्राइस तब चल रहा था। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 1700 तक ये जल्दी जाते हुए देखने मिलेगा, लेकिन 1700 भी जा चुका है, उसके बाद 200 रुपये और ऊपर जा चुका है, 1900 के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो देखिए डेली चार्ट की अगर बात बताऊं आपको तो स्टॉक जो इनिशियल डेज में हाइज लगाए थे करीब 1780 रुपये के आसपास के, वो स्टॉक कल की डेट में ही निकाल चुका है, कल की डेट में अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया उसी लेवल के ऊपर, लेकिन आज भी स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू जारी रहा है। तो देखिए 2000 के लेवल यहाँ आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक और दिखा सकता है, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकता है, क्योंकि नीचे के स्तरों से देखेंगे पिछले 2 से 3 वीक में बहुत तेज़ी से भागा है, थोड़ा बहुत करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक बात है, और ऐसे में अगर डिप मिलता है व्यू लॉन्ग है तो आराम से बाय करिए यार, केमिकल का स्टॉक है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो देखिए लास्टली बात करें एस माई ट्रिप की, भयंकर तेज़ी है, सारी की सारी जो तेज़ी स्क्रीन पे रोज़ बना रहा है और स्टॉक की ओपनिंग भी जो है गैप के साथ नहीं होने के बावजूद तेज़ी स्क्रीन पे बना रहा है। मैं कहने का अर्थ है सारी तेज़ी जो है आपको आंखों के आगे देखने को मिलती है। देखिए करीब करीब 1450-1500% तक के गेंस बनाने के बाद यहाँ पे फिर भी बाय रिकमेंडेड था और स्टॉक क्लोजिंग के समय करीब करीब 19-20% तक के, यानी करीब करीब सर्किट के बिल्कुल पास ही स्टॉक ने क्लोजिंग दी है।
तो देखिए बात करें अगर आज के इंट्राडे के चार्ट की, इस माई ट्रिप पे आप देख रहे हैं 18.5% के गेन है। 100 रुपये आज की डेट में स्टॉक महंगा हो चुका है, यानी आज के बाद आप इसे खरीदेंगे तो 100 रुपये का नोट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसको बाय करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं स्टॉक ने सर्किट भी मारा था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ और 1.5% तक गिरते हुए देखने को मिला। और बात करें इसकी चार्ट की हिस्ट्री की, तो 5 दिन में देखिए 25% के रिटर्न है, 1 महीने में 35 के हैं, 6 महीने में 208, ईयर टू डेट पर देखेंगे 208 ही है। इतना ही समय स्टॉक को लिस्ट हुआ है जो कि मार्च 2021 में लिस्ट हुआ है। और अनलॉक थीम का सबसे ज़्यादा फायदा है, अभी थोड़े दिन पहले इसके जो CEO आदि जो को प्रमोटर्स हैं उनका इंटरव्यू भी था, उन्होंने बताया काफ़ी ज़बरदस्त मांग है एयर टिकट्स आदि की। और इसी प्रकार से जो एक रिवेंज ट्रैवलिंग करके एक चल रहा है, जो हम 1.5 से 2 सालों में घूम नहीं पाए उसका बदला लेने के लिए और ज़्यादा घूमेंगे, इस तरह की थीम एक पूरी दुनिया में चल रही है। और जानते हैं आप इंडिया वाले ज़्यादातर पूरी दुनिया को फॉलो करते हैं, तो रिवेंज थीम का रिवेंज घूमना फिरना इंडिया में भी लगातार जारी है, इसके चलते ये स्टॉक जो है भागने में लगा हुआ है। देखिए आपके सामने डेली चार्ट है और टोटल इतना ही चार्ट स्टॉक का अब तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि IPO की लिस्टिंग जब से है तब से अब तक इतना चार्ट फॉर्म हुआ है स्टॉक का। और आप देख रहे हैं स्टॉक ने जो आज के दिन फॉर्मेशन की है कैंडल की, उतनी पहले कभी बड़ी इतनी बड़ी नहीं की, सारी की सारी कैंडल आपके सामने है, यहाँ देखेंगे कहीं भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं दिखेगी आपको जितनी आज इतनी बड़ी फॉर्म की है। तो देखिए किसी का शॉर्ट व्यू है ना और आपका नीचे के प्राइसेस पे ले रखा है तो पार्शियल एग्जिट कर सकते हैं। वैसे मैं अभी पार्शियल एग्जिट बोलूँगा, फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे इतनी बढ़िया कंपनी एग्जिट करने क्यों बोल रहे हो, तो भैया ध्यान से आप मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद कमेंट कीजिए। मैं शॉर्ट टर्म का व्यू है उसके लिए बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पार्शियली एग्जिट करिए अगर शॉर्ट व्यू है, अगर मीडियम टू लॉन्ग है तो अभी भी होल्ड करिए। ये स्टॉक आपको आने वाले समय में थोड़े नंबर्स और आने दीजिए, ये स्टॉक आपको 4 डिजिट में जाते हुए देखने को मिलेगा, इतनी तगड़ी ये कंपनी है, परफॉर्मेंस आपको जो है अनलॉक करेगी इसकी वैल्यू को। चलिए बात कर लीजिए जल्दी से हमने 3 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में, जहाँ पे काफ़ी तगड़ी आशानदार तेजी बनी है। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।